बरात आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सादिक सदीक और आप देख रहे हैं सादिक सदीक फूड सीक्रेट। तो आज का हम ब्लॉग बना रहे हैं, एक शादी का फंक्शन है तो यहां पे खाना तैयार होगा, तो आपको दिखाएंगे खाना कैसे बनता है और कितना बनता है। देगे बना रहे हैं तो अब लाइट की कमी है, रात का फंक्शन है तो लाइट का थोड़ा इशू जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे तरीके से शूट कर सकूँ। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ, ये देखिए लाइट बहुत कम है। ये भी गोश्त वाश करके इन्होंने टब्बों में डाल दिया है। ये सिरका डाला जा रहा है, सब कर सिरका पा रहे हो जी? आग जला दी गई है और ये देखिए इसमें गोश्त को फ्राई किया जाएगा। कढ़ाई में घी डाल दिया गया, कढ़ाई में घी डाल दिया गया 8 kg। चलो ये चूल्हे के ऊपर। अच्छा जी, अब बच्चों सर को चलो, बच्चों तुम लोग उधर बैठो, आप उधर बैठो। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया गया और ये ऑयल गर्म होने के लिए इसमें चिकन फ्राई किया जाएगा। ये आग देखिए जला दी गई है जी, लकड़ियों की आग से। चिकन चिकन वॉश कर लिया गया और इसको सूखने के लिए डाल दिया चार पाई के ऊपर और ये फ्राई के लिए लेके जा रही है। इधर ले आ मेरे कोल। नहीं सिर्फ हेलो उनको आराम ना। चिकन फ्राई के लिए डाल दिया, चिकन डाल के Oh
इस वक्त गोश्त फ्राई हो गया। तोड़ असर बस बस वो नहीं लानी है अदरक सब्ज मिर्च धनिया लहसुन चिकन फ्राई हो रहा है साथ क्रीम की दे फ्राई जा रही है प्याज कटिंग कर रहे हैं बैठे
दो देगियाँ जर्दे की बनाई जाएंगी। सबसे पहले तो चावल को भिगो दिया, मैं चावल चुकना हूँ। मैं कहीं एक मिनट जी मंगा बड़ा जी, मैं इसे ऐसे कम चीज ये कितने देर तक भिगोगे रखोगे चावल? ये सर 15 मिनट तक दे दें से चल जाने। अच्छा, कितने देर तो पहले पे हुए थे? आधा घंटा पहले। अच्छा आधा घंटा, बड़ा पड़ गर्म पानी तो पीते हैं? नहीं नहीं, बाटे जब पे हुए। अच्छा ठंडे, आधा घंटा हो गया ठंडे जब पे जानू हूँ ठंडे पे नहीं देते इसे अलावा। सही, इसे अलावा ठीक हूँ गर्म पानी डाया ठीक हो। कितने बजे आएगा फिर? 12 बजे वैसे हो गया। किन्ने 10 किलो चावल पाए? हां ले तो नहीं आने के उठे चमचे में बड़े आउन गए। हां आगे आगे जिन्ने के का उन्हें ले आवा। 10 किलो चावल डाल दिए हैं। हां जी ठीक हो। जर्दे की देग में 10 किलो चावल डाल दिए गए हैं। हां जी ठीक हो। यहां पर बारात उठाने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ये टेंट लग रहा है अभी लगा रहे हैं। ये एक स्कूल है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये आउट हो गया, कैच पकड़ा गया। ये गांव का प्राइमरी स्कूल है, रैश के पास ही स्कूल था तो लिहाजा परमिशन लेकर हमने यहाँ पे बारात को बैठाने के लिए इंतजाम कर दिया। हाँ जी आवाज़ जी थोड़ी मैं बना रहा मूवी ना तो आया जी कैच फड़ लाऊं ये और ये आउट हो गया, कैच आउट हो गया। देखो कैमरे महफूज भी हो गया। चल भाई ये बॉलर आए और इन्होंने गेंद की और ये वाइट बॉल होते होते बची हैं, कैच आउट हो गया जी। वाह आउट हो गया। ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਕਸੂਤਰੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਭਾਈ ਗਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿਛਾ Thank you.
ये जर्दे के लिए चावल है और चावल को भिगो के रखा था, अब इसका पानी निकाला जा रहा है। कितने चावल है जनाब? 10। 10 किलो चावल है। एक दे के लिए जर्दे के लिए 10 किलो के चावल है। चारपाई का कपड़ा रखी और चावल इसके ऊपर ढेल दिए गए हैं, पानी पूरा ड्रेन हो जाए नीचे। अल्लाह ताला ने चलो बैठ के ठीक है जा घर आंदा बस मत हटे नहीं दे डब्बा लिया खाली डब्बा पानी जा भर 10 किलो चावल डाल दिए गए। पानी में थोड़ा सा घी डाल दिया, एक पाव पा देता है, एक पाव घी पानी में डाल दिया चावल बॉईल करने के लिए। बेशक हौसले ना इतरा दे पिछे 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 कपड़े तो कड्डे आ चुक के रखना अगो चीनी की नहीं पा रहे जी? 9 किलो चीनी 10 किलो चावल के पता गल की है मिठा लोग घट खा दा मिठा चंगा हो शहरी बिच होने ना कई शुगर होंगी है वो भी खा लैन शुगर फ्री रखो ना जरदा हां जी रखिए सर। हां जी
यादगार रही ना आप बुजुर्ग ये खानदानी कुक है हमारे बुजुर्ग आदमी पिछे पिछे सवाह ना भी किनारे दे नाल इदां लाउणा जान दे उतला नप्पी जा उतला नप्पी जा नप्प दे नप्प दे नप्प दे पुल नप्प दे कोई चल आओ तो पिछे चल देख चावलों में चाशनी डाल दी गई देखो चूल्हे पे चढ़ा सीधी कर सीधी 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 देख इतने दम पे खड़ी देखो दम पे लगा दिया गया वाह वाह दाम देता है ना आप चावल दम पे लगा दिया गया कितनी देर दम लगना पौना घंटा दम पे लगा दिया आराम ना आराम पिछे कर पाला हालात देख ला ताज ठीक है छड़ दे कपड़ा कवा दर बना कोरमा चिकन कोरमा तैयार हो गया ये दूसरी देख भी चिकन कोरमे की तैयार हो गई तीन देखे तैयार हो गए तीन देखो तैयार हो गए टोटल कितनी है पंद्रह देखे चिकन कोरमा इधर वो हल्दी है रंग है मसाला है मैं मसाला है तू आ तो सही यह मसाला तैयार हो गया सारा कच्चा मसाला तैयार हो गया तरफान है किनिया देगा नाम चलो कलर तीन पंजे कलर है
लाओ लाओ यार देखा लाओ गन एक मिनट थानो नहीं चल नहीं कोई गल नहीं राम ना करो सिखा अपना लागे जा बड़े शेफ जी नाम सलीम भाई बस और जूनियर ने कड़छ ले लिया उनसे बड़े उस्ताद को कहा है जी आप आराम करें उस्ताद दादा उस्ताद जी ना बाबा ही ना उस्ताद ਤੁਹਾਡਾ हां ਔਰ ਲਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋ ਐ ਤੇ ਹੁਣ ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹਰ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਐਸ ਦੇਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆ ਰਨ ਦੱਸਦੇ कलर डाल दिए ना कलर मतंजन कलर इन पानी ला है मुझे क्यों ऐसा क्यों चल बस 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 पानी बंद कर चलो जी आ तीसरी दा वा इन उत्थे ढक लो कपड़ा लै के ना वो मसाले वाली मंजी तेन खा के चेक करते हैं जनाब माशाल्लाह गुड पीतल
ये देखिए बिल्कुल इस वक्त रेडी हो चुकी हैं, 11 देखें रेडी हो गई। ये चाय की देख हमारी तैयार होगी। गत्या समेत छोड़ता क्या देखे? अच्छा वो ठंडा कर लेते क्रीम है। ये पिंक टी जनाब, पिंक चाय है ना? पिंक टी की देख तैयार हो। ये देखिए की चीज पाई जनाब, क्रीम डाली जा मसाला पाया जा रहा है। लवली ने जनाब रोस्ट चिकन डाल दिया जो फ्राई करके हमने रखा था पहले से। ये बारात आ चुकी है, ये दूल्हे की गाड़ी माशाल्लाह। बस ये बारात आ चुकी है,
गुल पासी हो रही ना जाओ तुझे और जड़ी चल नहीं लिया लेडीज ने भी लवा जाओ इधर फड़ी जाओ इधर धनिया लाई जाए बाबा सारा दुनिया धनिया ना लाया कि असले दूजे पै गया इधर दसी मेरा मोल भी कैसा खाना जनाब कैसा नहीं क्या बात है मेहनत रंग ले आई खाना भी माशाला बड़ा जबरदस्त टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छा टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट थैंक यू जनाब आप कैसा खाना बनाए जनाब बताएंगे आप तो जरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बनाए माशाल्लाह थैंक यू जी
जबरदस्त माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खाना बनाया कैमरा बना शुक्रिया। हाँ जी अली साहब कैसा खाना? बहुत माशाल्लाह अच्छा है, अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ जी कैसा खाना है जनाब, बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है? ठीक है। गुड नॉट गुड? गुड गुड। हाँ जी सर आपने खाना टेस्ट किया कैसा है? गुड टेस्ट, थैंक यू। जिंदे ना शौक पूरा था। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग कैसा रहा? अगर अच्छा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।